Hello my dear students and viewers, welcome back to my channel Learn O Mania. This is Huseini sir welcoming you. जैसे आप जानते हैं हमने ITI बच्चों के लिए उनका जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वॉल्यूम एंड वे ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है. हमने इसके आगे के पहले दो पार्ट्स में वॉल्यूम एंड वे के सारे फॉर्मूलास वगैरह डिस्कस किए हुए हैं. आज हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहला प्रॉब्लम आज के लिए है फाइंड डायगोनल वॉल्यूम एंड वेट इन केजी ऑफ अ क्यूब हूज साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड यहां पर ब्रैकेट में डेंसिटी दी हुई है. डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 7.8 ग्राम पर सीसी, सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. डेंसिटी दी भी है एक क्यूब की और साइड दी भी है क्यूब की. साइड है 15 सेंटीमीटर और क्यूब जिस मटेरियल का बना हुआ है मटेरियल की डेंसिटी हमें पता है 7.8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है उस क्यूब की डायगोनल, ठीक है. हमें फाइंड करना है क्यूब का वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है क्यूब का वेट बट किलोग्राम में, ठीक है. क्यूब का वेट किलोग्राम में मतलब इनडायरेक्टली मास, भले यहां वेट लिखा हुआ है बट एक्चुअली फाइंड करना है मास. सो याद रखें आप कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. वेट इन केजी लिखा हुआ है, भले वेट लिखा हो लेकिन एक्चुअली ये होगा मास बिकॉज मास ही केजी में होता है. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहली चीज डायगोनल पूछा हुआ है. डायगोनल का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्यूब के लिए. जो डायगोनल होती है वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से लेकर सामने वाले फेस के वर्टेक्स तक, दूसरे वर्टेक्स तक, ये होती है डायगोनल. हम डायगोनल की लंबाई फाइंड करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला डायगोनल के लिए होगा, डायगोनल क्यूब की फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन. सो डायगोनल फाइंड करने के लिए अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाइड बाई a, यहां साइड दी हुई है 15. अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो डायगोनल मुझे मिल जाएगी 25.98 सेंटीमीटर्स. ये है पहले पार्ट का आंसर, 25.98 सेंटीमीटर. सो डायगोनल का फॉर्मूला है क्यूब के लिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई a. मैंने वैल्यूज लगाई और डायगोनल फाइंड किए है 25.98 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट पार्ट डायगोनल हमने फाइंड कर दी. नाउ लेट अस फाइंड आउट वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब के लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब. चलिए फाइंड करते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड क्यूब. साइड दी हुई है 15, तो 15 का क्यूब एंड 15 का क्यूब 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज 225 एंड 225 अगेन मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो आंसर आएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब. ये है सेकेंड पार्ट का आंसर. वॉल्यूम भी हमें मिल चुका है 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये था सेकेंड पार्ट वॉल्यूम. अब तीसरी चीज हमें वेट फाइंड करना है, हमें मास फाइंड करना है. उसके लिए मैं मास का फॉर्मूला लगाऊंगा. मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय
वॉल्यूम, ये है मास का फॉर्मूला, डेंसिटी 7.8 दी हुई है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मिला है 3375। ठीक है, ये दोनों फिगर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं, आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दोनों चीजों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, मुझे आंसर मिलेगा 26,325 ग्राम्स। ये है मास 26,325 ग्राम्स। बट यहाँ पर उन्होंने जो मास पूछा हुआ है वो केजी में चाहिए, ये ग्राम्स में है, ग्राम छोटी यूनिट है, मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो इसे हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ओरली डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ग्राम एंड किलोग्राम के बीच में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 होता है, हम इसे 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, सो 1000 के साथ राइट नाउ इसकी डेसिमल पॉइंट एंड में है, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, मतलब यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट एंड में, तो हम इसे ओरली 3 places आगे शिफ्ट कर लेंगे, तो फाइनली किलोग्राम में आंसर हो जाएगा 26.325 किलोग्राम। ये है उस क्यूब का मास किलोग्राम में। सो ये तरीका होगा ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने का ओरली। सो दिस इज द फर्स्ट सम। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के सेकंड सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट सम, फाइंड द वेट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कास्ट आयरन कास्टिंग ऑफ 250 cm by 20 cm by 8 cm when density of cast iron is 7.8 gram per cubic centimeter. एक cast iron का block है, length 250 cm, breadth दी हुई है 20 cm and height हम consider करेंगे 8 cm, मतलब length, breadth and height दी हुई है, हमें उस block का weight find करना है। वेट फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज इस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम के बाद हम मास फाइंड करेंगे, मास के बाद वेट फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ है 250 cm मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 20 cm मल्टीप्लाइड बाय हाइट 8 cm। अगर मैं ये तीनों फिगर्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट होगा इसका मास फाइंड करेंगे। मास, ये क्यूबॉइड कास्ट आयरन ब्लॉक का जो मास होगा, मास के लिए फॉर्मूला होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये होता है मास का फॉर्मूला। डेंसिटी दी हुई थी 7.8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हमें मिला है 40,000। अच्छा, ये अगर दो फिगर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 312,000 ग्राम। ठीक है, ये है मास उस ब्लॉक का। अच्छा, ये ग्राम्स को हम अगर किलोग्राम में चेंज कर दें, ग्राम टू किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ओरली इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, सो अगर इसे 1000 से डिवाइड किया जाए, ये आपको ओरली करना है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, 3 zeros and 3 zeros कट हो जाएंगे, सो मास मिलेगा
312 किलोग्राम, ये है मास उस ब्लॉक का 312 किलोग्राम। ये मास फाइंड करने के बाद हम इसका वेट फाइंड करेंगे। वेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा मास इनटू ग्रेविटी, ये होता है वेट का फॉर्मूला, ठीक है। मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, मास हमें मिला है 312 किलोग्राम और ग्रेविटी अर्थ की होती है 9.8, ग्रेविटी इज 9.8। अब ये दोनों 312 एंड 9.8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमें मिलेगा इक्वल्स टू 305, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, 3057.6, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, वेट की एसआई सिस्टम यूनिट होती है न्यूटन। ये भी 312 किलोग्राम, ये भी एसआई यूनिट 3, ग्रेविटी मैंने 9.8 ली थी, ये भी एसआई यूनिट थी, तो वेट की एसआई यूनिट न्यूटन्स होती है, हमें न्यूटन्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। द आंसर इज 3057.6 न्यूटन्स। ये तरीका है वेट फाइंड करने का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट सम। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ टैंक आर इन द प्रोपोर्शन 8:5:2 एंड इफ द हाइट इज 25 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम। एक टैंक है, टैंक की साइड्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 8:5:2। सो ये रही टैंक, प्रोपोर्शन दिया हुआ था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का 8:5:2। सो मैंने लेंथ 8x अज्यूम की है। आपको पता है जब रेशियो हो और रेशियो को जब ब्रेकअप करना हो इंडिविजुअली तो कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा x। सो लेंथ हम अज्यूम करेंगे 8x सेंटीमीटर्स, ब्रेथ हम अज्यूम करेंगे 5x सेंटीमीटर्स और हाइट हम अज्यूम करेंगे 2x सेंटीमीटर्स। ये अजम्पशन के बाद सेकेंड चीज वो लोग ने दी है हाइट, हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर्स। अजम्पशन के हिसाब से हाइट थी 2x सेंटीमीटर्स बट एक्चुअली इट इज 25 सेंटीमीटर्स। ये यूज करने के बाद हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहली चीज मैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों यहां पर बता देता हूं। लेंथ 8x सेंटीमीटर्स अज्यूम करना है, ब्रेथ 5x सेंटीमीटर्स अज्यूम करना है और हाइट रेशियो के हिसाब से 2x सेंटीमीटर्स अज्यूम करना है। ये तीनों के अजम्पशन के बाद नाउ एक्चुअली हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है एक्चुअल हाइट। नेक्स्ट लाइन में हमारे अजम्पशन के हिसाब से हाइट थी 2x, ये रही, मैंने हाइट के नीचे 2x लगाया, सामने ये 25 एज इट इज, हम x फाइंड करेंगे इससे, x विल बी इक्वल टू ये 225 के नीचे जाकर डिवाइड होगा, सो 25 अपॉन 2, x हमें मिलेगा 12.5। अगर 25 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर होगा x के लिए 12.5। ये जो कॉमन मल्टीपल x था उसकी वैल्यू मिल चुकी है। इस वैल्यू से हम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों फाइंड कर लेंगे अजम्पशन में लगाकर। सो द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर लेंथ जो है लंबाई उसका अजम्पशन था 8x, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ये जो x की वैल्यू आई थी 12.5
अब हम उसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये हो गई लेंथ। अच्छा सेकंड वन, ब्रेथ फाइंड करेंगे हम, ब्रेथ का अजम्पशन था 5x, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू अगेन 12.5, तो अगर 5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आंसर होगा 62.5 सेंटीमीटर्स, ये ब्रेथ आ चुकी है 62.5 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हाइट, हाइट तो पता ही है 25 सेंटीमीटर्स, हाइट तो ऑलरेडी दी थी 25, तो हाइट मैं नहीं फाइंड करता। अब क्वेश्चन था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, एनी आइडिया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो हमें फाइंड करना था वॉल्यूम, वॉल्यूम इस टैंक का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, लेंथ हमें मिली है 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें मिली है 62.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें पता थी 25 सेंटीमीटर, अगर ये तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर होगा 156250 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, 156250 क्यूबिक सेंटीमीटर, आई मीन 156,250 क्यूबिक सेंटीमीटर उस टैंक का वॉल्यूम है। अच्छा ये अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम आपको लीटर्स में पूछा हुआ है, रिमेंबर क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करो ओरली बाय 1000, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर को आपको वॉल्यूम लीटर्स में एक्सप्रेस करना है इसको आप ओरली डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। अब इसे 1000 के साथ डिवाइड करने के लिए इमेजिन डेसिमल पॉइंट यहाँ है इन द एंड, और अगर 1000 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये डेसिमल यहाँ से 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो लीटर्स में आंसर हो जाएगा 156.25 लीटर्स, पॉइंट यहाँ लग जाएगी आकर और आंसर मिल जाएगा लीटर्स में, क्या मिलेगा 156.25, फिर जीरो नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखिए या मत लिखिए, ये होगा आंसर लीटर्स में। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट सम, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स ऑन अ फार्म ऑफ एरिया 1.5 हेक्टर्स, एक फार्म है, फार्म का एरिया दिया हुआ है हेक्टर्स में 1.5 हेक्टर्स, उसके ऊपर बारिश, कितना बारिश गिरा हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब बारिश जो टोटल गिरा है, टोटल बारिश की ऊंचाई हाइट है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉटर दैट फॉल्स ऑन द फार्म, आपको फाइंड करना है कितना वॉल्यूम ऑफ रेन गिरा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वॉटर गिरा हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉटर जो गिरा है बारिश की शक्ल में, वो वॉटर का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज होगी जो रेनफॉल की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हाइट ऑफ रेनफॉल 5 सेंटीमीटर, हाइट रेनफॉल गिरा था तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ओरली डिवाइड करें 100 के साथ, 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है 100 के साथ आप डिवाइड कर लें, राइट नाउ डेसिमल यहां पर है इन द एंड और ये डेसिमल 100 से डिवाइड करने के लिए 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगी,
सो मीटर्स में आंसर होगा 0.05 meters. ये इतनी हाइट रेनफॉल की है जो रेनफॉल गिरा हुआ है फार्म के ऊपर. हाइट हमें मिल चुकी है मीटर्स में. मैं सारी चीजें SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन है फार्म का एरिया. 1.5 हेक्टर्स एरिया दिया हुआ है. ये हेक्टर्स को हम SI यूनिट स्क्वायर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. हेक्टर्स को मीटर स्क्वायर मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई जो भी हेक्टर्स दिया है उसे मल्टीप्लाई करो 10,000 के साथ तो स्क्वायर मीटर हो जाए. सो अपनी सेकंड स्टेप होगी एरिया ऑफ फार्म कितना दिया हुआ है 1.5 हेक्टर्स. इसको हम क्या करेंगे 1.5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगी एरिया स्क्वायर मीटर्स में. सो अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो 15,000 स्क्वायर मीटर एरिया होगा. ठीक है, एक जीरो मैंने कट करके डेसिमल एक प्लेस हटा ली. 15 × 1000 इज 15,000 स्क्वायर मीटर एरिया में मिल चुका है. अब सिंपली वॉल्यूम फाइंड हो सकता है टोटल वॉल्यूम ऑफ रेन के लिए जो पानी गिरा हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना था. वॉल्यूम के लिए जितना भी एरिया है फार्म का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ रेनफॉल दैट्स इट. सो फाइनली वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए होगा जो भी एरिया आया है फार्म का स्क्वायर मीटर में मल्टीप्लाई करो उसे हाइट ऑफ रेनफॉल के साथ. एरिया हमें मिला है 15,000 स्क्वायर मीटर. मल्टीप्लाई इसे करेंगे हाइट 0.05 मीटर से. आंसर होगा 750. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750 क्यूबिक मीटर. ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर विच हैज फॉलन डाउन. कितना पानी टोटली गिरा है 750 क्यूबिक मीटर. अच्छा, ये वॉल्यूम को अगर आपको अगेन लीटर में चेंज करना है तो इस क्यूबिक मीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो लीटर में चेंज हो जाएगा. हाउ टू चेंज क्यूबिक मीटर टू लीटर्स. मल्टीप्लाई क्यूबिक मीटर बाय 1000. क्यूबिक मीटर जो भी फिगर आया है उसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लीटर्स में हो जाएगा. चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ. ओके बच्चों, ये है हमारा ये पार्ट का आखिरी सम, फिफ्थ वन. द सम इज अ स्क्वायर रॉड ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर इज फोर्ज्ड इनटू अ सिलेंडर ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्क्वायर रॉड है. स्क्वायर रॉड मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आगे का फ्रंट का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर के शेप में है जिसकी साइड है 14. तो सारी साइड 14 होगी और इस रॉड की हाइट है 28 सेंटीमीटर. रॉड की टोटल लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है. ये रॉड को फोर्ज करके आपको मेल्ट वगैरह करके उसको फोर्ज करना है एक सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंड्रिकल शेप देना है. सो ये सिलेंड्रिकल शेप की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर लेंथ का सिलेंडर बना हुआ, मतलब सिलेंडर की हाइट 40 सेंटीमीटर है. आपको सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है. अब यहाँ पर ये चीज होगी कि रॉड को मेल्ट करके सिलेंडर बना है तो जो रॉड का वॉल्यूम है वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा. ये मेन चीज है ये इस तरह के सम के लिए. जो रॉड का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा. सो सबसे पहली चीज
मैं यहां लिखता हूं द रॉड इज फोर्ज्ड इनटू अ सिलेंडर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, ये मेन चीज है. रॉड से ही, स्क्वायर रॉड से जब हमने सिलेंडर बनाया है तो जो भी वॉल्यूम था रॉड का, जो भी मटेरियल से रॉड बना था, जो भी वॉल्यूम था वो वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा. चलिए अब दोनों तरफ हम फॉर्मूला डालते हैं. ये रॉड क्यूबॉइड शेप में था तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इसका फॉर्मूला होगा, और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे. नेक्स्ट वन, रॉड की लेंथ, लेंथ थी से 14 सेंटीमीटर, रॉड की ब्रेथ, ब्रेथ भी 14 सेंटीमीटर, और रॉड की टोटल हाइट हम ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर रॉड था तो लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगी. लेंथ एंड ब्रेथ दोनों मैंने 14 ली है और हाइट लिया है 28 सेंटीमीटर. चलिए यहाँ पर देखते हैं पाई, पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 22 से अपॉन 7. ठीक है, पाई मैंने लिया है 22 अपॉन 7. रेडियस मुझे नहीं मालूम, आर स्क्वायर एज इट इज, और हाइट सिलेंडर की पता है 40 सेंटीमीटर हाइट थी. अब हम ये पूरे इक्वेशन को आर स्क्वायर के टर्म्स में चेंज करेंगे. आर स्क्वायर यही रखेंगे, 22 अपॉन 7 एंड 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले लेंगे. सो देयरफॉर आर स्क्वायर, मैं ये आर स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड पर वो पहले लिखता हूँ, इट विल बी इक्वल टू यहाँ जो पहले था 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 28, इसके साथ ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, द होल अपॉन नीचे 22 मल्टीप्लाइड बाय 40. ठीक है, आर स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, 22 अपॉन 7, 40 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऊपर 7 मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड होगा 22 एंड 40 जब शिफ्ट होगा इस टाइप से. अब चलिए इसे कैंसिल आउट करते हैं, जो जो चीज कट हो रही है, दिस गोज बाय 2 टाइम्स, 2 11s एंड 2 7s 14, अगेन दिस गोज बाय 2 टाइम्स, 2 7s 14 और 2 20s, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 28 एंड 20, 2 10s 20 एंड 2 14s. सो अब मैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा रफ वर्क में, द होल अपॉन डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 110. सो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, देयरफॉर आर स्क्वायर, जब ये सारे 7 into 7 is 49, 49 into 7 is 343, 343 multiplied पे अगर मैं 14 करूँ, आंसर होगा 4802 upon 11 into 10 करूँ, आंसर होगा 110. ठीक है, अब ये मुझे डिवाइड करना है, therefore r square अगर इसको हम डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 43.65. सो ये मिला है आंसर, डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 43.65. अब ये r square 43.65 मिला है, ये स्क्वायर हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, therefore r will be equal to square root of 43.65. दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है मैंने,
square root अगर 43.65 का आप square root method से square root देखिए तो हो जाएगा answer मिलेगा something 6.61 centimeters. 6.61 इसका square root होता है. Radius हमें मिला है R cylinder के लिए 6.61 centimeters. अब हमें find करना है, हमें find करना था diameter. Diameter find करने के लिए cylinder का diameter equals to twice of the radius. जो radius है उसका twice, that is diameter. So it will be 2 multiplied by 6.61. अगर ये दोनों figures हम multiply करें, diameter मिलेगा 13.22 centimeters. ये होगा उस cylinder का diameter. ये तरीका है sum solve करने का. आशा करता हूँ आज जो ये part में हमने 5 sums किए ये आपके समझ में आए होंगे. एमसीक्यू में आपको इतने हार्ड नंबर्स तो नहीं आएंगे, स्मॉल स्मॉल नंबर्स और ऐसे नंबर्स आएंगे जो आप इजीली डिवाइड कर सको, लेकिन कहा नहीं जा सकता. आज जो मैंने ये 5 सम्स कराए ये सारे के सारे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आए हुए सम्स हैं. ये कोई भी मैंने मेरे ओन से सम नहीं कराया, ये आज के सारे सम्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के आए हुए सम्स हैं. मैं ऐसे ही सम सॉल्व करूंगा और मैं ऐसे ही एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आई हुई है. सो आज का पार्ट मैं यहीं फिनिश करता हूं. प्लीज जाने से पहले एक बार और रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को देख पाए. मेरी आज और एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आधा मत छोड़िए. इससे हम दोनों को फायदा होगा, आपको सीखने मिलेगा और मेरे लिए वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरी चैनल की रैंकिंग ऊपर जाएगी. सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए. साथ में एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम देकर लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए. आपका लाइक बटन दबाना मेरे लिए बहुत जरूरी है. और आपकी अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं जरूर आपकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूंगा. आज के लिए बस इतना ही. मैं हुसैनी सर आपकी इजाजत लेना चाहूंगा. जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग सब्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू.